नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। किस दिन होगी महाअष्टमी 2024 शारदीय नवरात्रि की, किस दिन करेंगे आप कन्या पूजन, नोट कर लें। पारण का समय अष्टमी और नवमी की शुभ डेट क्या है। आप सभी लोगों को मेरे YTM चैनल की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। महाअष्टमी की और महानवमी की, रात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को ही माना जाता है। महाअष्टमी में नवरात्रि, महाअष्टमी नवरात्रि के आठवें दिन आती है। ये देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस साल जो शारदीय नवरात्रि है उसकी अष्टमी 11 अक्टूबर को पड़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त अगर सच्ची श्रद्धा से दुर्गा माता का और महागौरी की पूजा करता है तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो जानिए इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी बातें। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। कब है महाअष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 2024 की जो महाअष्टमी है वो 11 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार कहा जाए तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 10 अक्टूबर 2024 को 12:30 बजे शुरू हो जाएगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। अष्टमी का व्रत होगा वो 11 अक्टूबर को रखा जाएगा, यानी अष्टमी और नवमी एक ही दिन होगा। महाअष्टमी की पूजा विधि, सुबह उठ करके स्नान करना है, साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद माँ दुर्गा का आपको अभिषेक करना है, उन्हें लाल रंग के कुमकुम का तिलक लगाना है, गुलहड़ कमल या फिर गुलाब के फूलों की माला जरूर चढ़ाएं, लाल वस्त्र उनको समर्पित करें, श्रृंगार का सामान महाअष्टमी और नवमी की तिथि को अवश्य चढ़ाएं, फल और मिठाइयां भी चढ़ाएं। इसके बाद आपको सब नियम का पालन करते हुए देवी के पवित्र मंत्रों का जाप करें, आरती करें, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चंडी का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करें। उसके बाद क्षमा याचना करें, अंत में आरती करें और हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अष्टमी और नवमी के दिन बहुत सारे लोग हवन भी करते हैं, तो इस दिन आपको हवन भी करना है। अगर आपने पंडित को बुलाया है तो आप पंडित से हवन करा लीजिए, नहीं तो आप घर में खुद भी हवन कर सकते हैं। और इसके बाद कन्या पूजन करना है अगर आप अष्टमी में करती हैं। वैसे भी इस साल की अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है तो कन्या पूजन भी उसी दिन ही होगा। क्या है अष्टमी और नवमी एक ही दिन क्यों है? पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जाएगी। महाअष्टमी और महानवमी की पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। 11 अक्टूबर को 12:06 से ये शुरू हो जाएगी अष्टमी की पूजा और उसके बाद महानवमी की भी पूजा की जाएगी। यानी सबसे पहले हम महागौरी की पूजा करेंगे और उसके बाद माँ सिद्धदात्री की पूजा करनी है। इसी दिन हम कन्या पूजन भी करेंगे। तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में किया जाता है तो आपको 9 कन्या या 11 कन्या या 7 कन्या कम से कम माता रानी का भोज जरूर कराएं, उन्हें उपहार दें, वस्त्र दें, माता रानी का जो पसंदीदा प्रसाद है यानी कि हलवा पूरी दही जलेबी जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए और कन्या को खिलाइए। उसके बाद कन्या को आप उपहार के रूप में कुछ न कुछ सामान दे। 9 दिन की पूजा के बाद कन्या भोज कराते हैं तो कहा जाता है कि घर में सुख शांति समृद्धि और धन का आगमन हमेशा बना रहता है। कन्या पूजन के बाद नवरात्रि का व्रत खोला जा सकता है। नवरात्रि व्रत को तोड़ने के लिए सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो नवमी के बाद का समय माना जाता है, जबकि दसवीं तिथि शुरू हो चुकी होती है तो दसवीं तिथि लग ना पाए उससे पहले ही नवरात्रि का व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।